अभी एक मिनट पहले का हादसा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, सुबह के 7:15 बज गए, तो मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। आज ड्यूटी जाना है, कल छुट्टी थी मेरी। सो गाइस, कल मैंने एक बहुत ही बढ़िया ब्लॉग बनाया है। छुट्टी के दिन कहीं चले गए थे हम गांव में, तो वो गांव था जौनसार का गांव, जौनसार विलेज, तो वहां का मस्त वीडियो बनाया मैंने। सो गाइस, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो प्लीज जाके वॉच कीजिए, बहुत मजा आने वाला है उस ब्लॉग में। तो गाइस, अभी देखते हैं क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले किचन में शानू जी से मिलवाता हूँ। शानू जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। यांस को देखो, हंस के ना गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। तो श्रियांश आजकल जल्दी उठने लग गया, बिकॉज आपको पता होगा ही, जब बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती है तो नींद अपने आप खुल जाती है। तो वही हाल श्रियांश के साथ भी हो रहा है। श्रियांश उसी दौर से गुजर रहा है। हाँ। इस दौर से हम गुजर चुके हैं। हाँ। तो गाइस, अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट में आलू के गुटके, मजेदार। और ये हरा हरा जो डाल रखा ना, ये है कस्तूरी मेथी, साथ में चाय और साथ में बन रही है रोटी। तो मैं तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके अपना ड्यूटी चला जाऊंगा, बाकी सब घर पे ही रहेंगे। और कल सबने बहुत बढ़िया एंजॉय किया है। शानू, कल अच्छा एंजॉय किया ना? बहुत ज्यादा, बहुत मजा आया कल। पता नहीं, रख लो ऊपर जल्दी। हाँ। अबे रियाज, कल मजा आया? कल कल हाँ, भूल गया? हाँ, यार बच्चे ना भूल जाते हैं कि कल क्या हुआ। कह रहा कल ऐसा ऐसा कर रहा, भूल ही गया वो कल क्या हुआ की। तो गाइस, बंशु अभी सो रखा है, अपनी थकान मिटा रहा है वो कल वाली। तो गाइस, कल हम 6:20 पे आए थे ना घर, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद बंशु सो गया था, तो ये मान के चलो 7 बजे सो गया था और अभी तक सो ही रहा है, तो फुल मजे ले रहा है नींद के। और गाइस, एक चैलेंज वीडियो बनाया था ना बीच में, ब्लाइंड फ्रोड वाला, वो चाय बनाने वाला शानू ने बहुत अच्छा बनाया था। और मुझे लग रहा था कि ये वीडियो हमारा वायरल हो जाएगा, क्योंकि चैलेंज वीडियो अक्सर वायरल हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसमें 100 लाइक्स मांगी थी। बट वो वीडियो ना गया ही नहीं, आ गया अभी तक उसमें 100 व्यू भी नहीं हुए पूरे। 100 हो गए शायद ना? नहीं, व्यूज तो हो गए लेकिन 100 उसमें लाइक अभी तक नहीं आई। तो ऐसा भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वीडियो बनाते रहेंगे, चाहे व्यू आए, चाहे लाइक आए, चाहे ना आए। बट हम कहेंगे फिर भी कि गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, आलू के गुटके हैं, मस्त चाय है, साथ में रोटी है, और शानू अपने लिए दही लाई है स्पेशल नमक डाल के। तो गाइज, 9 बजने वाला है और रेडी हो गया हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, तो अभी चलता हूँ मैं, मिलूंगा गाइज आपको लंच के टाइम पे। बाय श्रियांश, शानू बाय। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। अभी हो रहा है दिन का लंच का टाइम, और आज लंच में बन रहा है हम सबका फेवरेट कढ़ी चावल। कढ़ी चावल, अरे देखो, इसे तो बहुत शौक है यार किचन के काम करने का। मैं तो बोल रही है कब बड़ा हो जाए और किचन संभाल ले। कब मैंने कभी है, ना, नानू? मैंने नारंगी कढ़ी नहीं देखी। खाना बनाने का बहुत शौक है नानू को, है ना नानू? गिराने देना, उसे ऐसे नहीं, पहले से पकने दो। ये रखे हुए इधर चावल, और नानू ने भी नहा लिया है, वंशु अंदर टीवी देख रहा है। तो मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। हाँ, 2 घंटे से खेल रहा है, आजकल पेपर खत्म हो गए ना, तो बस नानू की टेंशन खत्म हो रहा है। खेल 24 जितना जब मर्जी बोली तब खेलने चले जा रहे हैं। पर बाहर अभी धूप बहुत हो रही है ना, गर्मी बहुत हो रही है, इसी टाइम पे बच्चे बीमार भी होते हैं, तो ज़्यादा धूप में रहने से भी ना बीमार हो जाते हैं बच्चे। धुलने में भी नहाए धोए बहुत सारे कपड़े उड़ गए थे, आज बेडशीट वगैरह चेंज करी ना, आज गर्मी वाली बेडशीट हटा दी, और वो धुले कवर हैं रजाइयों के, वो भी धुले हैं, और कंबल निकालूँ जहाँ से रजाई बंद कर देती हूँ, और देखती हूँ फिर। सो गाइस, अभी बज रहा है दिन का 2:50, और जस्ट अभी मैं लंच पे आया हूँ, और थोड़े बहुत सब्जी वगैरह। हाँ, कड़ी बनी है, तो वंशु को पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, उसने पहले ही बोल दिया कड़ी बनी है आज। तो थोड़ा बहुत सामान लेके आया मैं, फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह, तो शानू संभाल रही है, वंशु हेल्प कर रहा है। सो गाइस, अभी 8:15 बज गया है और मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ ड्यूटी करके। यहाँ पे वंशु की क्लास पढ़ाई जा रही है, शानू उसको पढ़ा रही है। करो करो काम करो, और टॉयज भी रखे हैं। तो गाइज, अपने ब्लॉग तो ऐसे आते रहेंगे हमेशा, अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, डिनर हमारा रेडी हो गया है, और ये बना है आज
कटहल की सब्जी, और कटहल की सब्जी शायद हम पता नहीं कितने सालों बाद खा रहे होंगे। पिछले साल तो खाई होगी ना शानू, याद है? तो पिछले साल खाई थी, तो एक साल के करीब बाद खा रहे हैं कटहल की सब्जी। दिन की कड़ी और सलाद है, तो चलो डिनर कर लेते हैं अपना। थैंक यू। गाइस देखो श्रियांश ने क्या कर दिया है, ये अभी एक मिनट पहले का हादसा है। एक मिनट भी नहीं है, 10 सेकंड भी नहीं हुए। इसने पूरा ये गिरा दिया, पूरा अपना बैम्बो प्लांट गया। ये देखो मैं थोड़ा सा उठाती हूं ऐसे, वो गिर गया पूरा कांच। वन साहब आगे मत बढ़ो, वहां कांच ही कांच हो रखा है। एक बैम्बो प्लांट था जो सही चल रहा था, वो भी आज 4 रनों के लिए गया। क्या ही हो गया यार, बैम्बो प्लांट भी हमारा टिक ही नहीं रहे। यही प्लांट था एक जो चल रहा था, मैं अच्छा खासा एडिटिंग कर रहा था वीडियो का, और इसने कर दिया अपना वीडियो एडिट। क्या ही बोले यार ना बच्चों को, देखना पूरा कांच ही कांच हो गया चेयर के ऊपर। भैया ने तोड़ दिया, तो हमारे सारे प्लांट गए। अब कुछ प्लांट वैसे ही खराब हो रहे थे, ये प्लांट था एक अच्छा, ये भी गया। खराब कुछ नहीं हो रहा था, अब हुआ वो खराब। अब इसके लिए नया फ्लास्क लाना पड़ेगा। गाइस देखा आपने, हाथ से कभी भी हो जाते हैं, और खास करके बच्चे कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो उसने अभी 2 मिनट पहले ही बहुत बड़ा हादसा कर दिया, पूरा तोड़ दिया है। वहां रखा था शानू ने अच्छा खासा ऊपर, और यहाँ चेयर को ना आगे पीछे करने में लगा हुआ। अरे हाँ, ये तो मैं भूल गया, इसलिए हुआ होगा। क्या भूल गया? यहाँ ऐसे झूल रहा था चेयर में, जैसे झूलते नहीं है आगे पीछे, अब फट से लगाओ, अब पूरा वो गिर गया नीचे। तुझे नहीं पता चला, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? उधर तूने पोकेमोन चला रखा था, उधर टीवी में मस्त हो रखा हो, और चेयर में झूलने में लगा हुआ। इतना बड़ा सोफा, इतना बड़ा बेड, यहाँ नहीं वहां जाता हो बैठने उस चेयर पे। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में कितने देश हैं। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में सम कॉन्टिनेंट्स होते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कितने देश हैं। अफ्रीका में होते हैं 54 कंट्रीज, एशिया में भी होते हैं 54 कंट्रीज, यूरोप में होती हैं 50 कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका में होती हैं 23 कंट्रीज, साउथ अमेरिका में होती हैं 12 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया में होती हैं 14 कंट्रीज, और अंटार्कटिका में पूरा बर्फ भी बर्फ होती है, इसलिए अंटार्कटिका में कोई भी कंट्री नहीं है। थैंक यू। अरे ये तो बताना भूल गया क्या, और ये मेन चीज, और दुनिया में होते हैं 195 कंट्रीज। थैंक यू गाइस, पूरे 10:30 हो गए हैं, और आज के ब्लॉग का मैं एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता तो लाइक कीजिए, चैनल में फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी से न्यू ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।